नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर रियाबड़ी से है। रियाबड़ी उपखंड के थावला कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 108 जीवन वाहनी एम्बुलेंस ऑफ रोड होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामला इस प्रकार से है कि थावला CHC की जीवन वाहनी एम्बुलेंस वाहन संख्या RJ14PB8349 जो कि मशीनरी व तकनीकी खराबी के कारण लंबे समय से आपातकालीन सेवाएं देने में असमर्थ है। अभी वर्तमान समय में थावला CHC की एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाएं बंद पड़ी हैं। कई बार एम्बुलेंस आसपास के लोगों को अस्पताल से बुलवाकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नमस्कार, बात करते हैं आज थावला राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एम्बुलेंस की। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये थावला CHC की एम्बुलेंस 108 जीवन वाहिनी ये एम्बुलेंस है और करीब एक महीने से ये बीमार हालत में यहाँ पड़ी है। अभी जो है थावला CHC में आपातकालीन सेवाएं जो एम्बुलेंस के द्वारा मिलने चाहिए वो पूरी तरह से बंद है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, गाड़ी के नंबर भी बताना चाहूँगा। ये जो एम्बुलेंस है RJ14PB8349 राजकीय सेवाओं के साथ हमारे इस अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों की सुविधार्थ ये एम्बुलेंस होती है, लेकिन लंबे समय से स्कब होने के कारण अपनी सेवाएं देने में असमर्थ है। मैं बताना चाहूँगा कि थावला कस्बा नेशनल हाईवे रोड पर स्थित है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट, डिलीवरी, रेफर और आगजनी जैसी घटनाओं के मरीज जो है यहाँ पर आते रहते हैं और उनको प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया जाता है ताकि उनको अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए उनको अजमेर जिला अस्पताल में रेफर किया जाता है, लेकिन अभी अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो आसपास के अस्पताल से एम्बुलेंस की सुविधा करके और उस मरीज को पहुँचाया जाता है। समय लगने के कारण कई बार जान माल को खतरा बना रहता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिरकार ये विभागीय अधिकारियों की लापरवाही है या फिर कागजी कार्रवाइयों की अभाव जिसकी वजह से एम्बुलेंस जो है तैयार नहीं हो रही है और सभी मरीजों को असुविधाएं हो रही है। मैं इस बात के साथ में आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर राजसमंद सांसद दिया कुमारी और डेगाना विधायक विजयपाल मिर्जा द्वारा अलग अलग दो एम्बुलेंस अस्पताल में भेंट की गई है, लेकिन दोनों एम्बुलेंस अभी सुविधा के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि एम्बुलेंस जिस तरीके से दी गई है यहाँ पर उनके लिए चालक और उनमें अन्य सुविधाएं अभी मरीजों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके लिए 108 एम्बुलेंस को जीवन वाहिनी में परिवर्तित करवाना पड़ता है और इसके लिए सूत्रों के अनुसार कार्रवाई चालू है, सुचारू है, लेकिन तब तक क्या मरीज इस तरह तड़पते रहेंगे या उनके जीवन और माल के ऊपर ऐसे